नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। आज हम टाउन हॉल में मौजूद हैं बेंगलोर में, और पीछे देख लीजिए चारों तरफ प्रिंस लांबा, रामतार, पलसानिया, पीएस कलवानिया द्वारा जाट अंतर जाटीय जाट महासभा अधिवेशन का आयोजन किया गया है। और यहाँ से देख लीजिए, जो अपेक्षा से उससे ज़्यादा कर्नाटक बेंगलुरु में यहाँ पे जाट समाज के लोग मौजूद हैं, और तरह तरह के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, हर जगह से आए हुए हैं। ये कहाँ से आए? बीकानेर से। बीकानेर से, अच्छा, कैसे? हाँ, तो कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा सर। गणेश सर, गणेश सर जी कहाँ? बेंगलोर में है जी। ओके, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। दलवीर सिंह सांगवान, बहुत अच्छा। पूरे हिंदुस्तान से जाट भाई आए हुए, और हम बहुत खुश हैं, और बेंगलोर में आने का सभी का अभिनंदन करते हैं। तो तस्वीरों में देख लीजिए, यहाँ पे लगातार ये लोग आए हुए हैं, और हम दिखा रहे हैं पगड़ियों में सजे हुए। राजस्थान से? जी राजस्थान नहीं, कोयम्बतूर शिवलाल। कब से आए? आज ही आए हैं। फ्लाइट से? नहीं, कार से। तो कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है, हर जगह पहुँचते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। तो जाट पार्लियामेंट सदन का आयोजन किया गया है, तो ये अच्छा हो रहा है समाज के? हाँ, अच्छा हो रहा है। तो तस्वीरों में देख लीजिए जी, तो हमारे साथ तस्वीरों में देख लीजिए, थोड़ा सा हम दूर दूर से लोग आए जी। साहब, जमाने में दम नहीं जो हमको मिटा सके, जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। ये क्या नाम? जय सरदार चौधरी। कहाँ से आए? राजस्थान से। अच्छा, फ्लाइट से या ट्रेन? नहीं, हम यहीं पे रहते हैं। अच्छा, प्रोग्राम आपका ही हुआ? ननन की सड़ी से पलक पे चढ़ो रे, गीता बाइबल कुरान में नहीं लिखा, सो इल्म तुम पढ़ो रे। होप खाओ इन बंदों से, ये हमारे हो चुके हैं, हम इनके हो चुके हैं। बहुत अच्छी बात है सर। राजस्थान से। अच्छा, तो कब पहुंचे आज? आज सुबह। कैसा लग रहा? बढ़िया। तो जाट समाज के लिए पूरे यस? ये बहुत अच्छी बात है जी सर। तो हमारे साथ कुछ लोग और भी बने हुए, इस साइड में इनसे जान लेते हैं जी। कहाँ से भाई? नमस्कार। और ये एक शानदार प्रयास है हमारे युवा पीढ़ी को, हमारे गौरवान्ति अभी ये संस्कारों से जोड़ने के लिए। हमारे जितने भी बड़े बड़े जाट समाज के जो अग्रिम पंक्ति में लोग हैं, उनके साथ परिचय करने के, जो हम जिन्होंने समाज के लिए बहुत अच्छा योगदान दिया है, उनको समाज को जोड़ने का एक कदम, जोड़ने का बहुत अच्छा प्रयास है, और ऐसे प्रयास हम सब जाट भाइयों को करने चाहिए। थैंक यू साहब। तो तस्वीरों में देख लीजिए, हमारे साथ यहाँ लगातार उपस्थित हैं, और स्टेज पे पीएस कलवानिया रामतार पलसानिया का प्रोग्राम चल रहा है, और हमारे साथ तस्वीरों में देख लीजिए जी साहब। हम राजस्थान से आए हैं। जन भाई राजस्थान? हाँ जी। तो कब कद आए हो आप? एक महीना हो गया यही रहते। हाँ। तो आपने ये प्रोग्राम अरेंज किया, क्या लगता है जाट अच्छा है? तो जाट का समाज है, शुरू से कैसे है, कौन हमारे महापुरुष हैं, उन्होंने कैसे संघर्ष किया, उसको आगे लेके जाना है। क्या लगता है जी, जाट समाज कहीं ना कहीं इस तरीके के प्रोग्राम से? नहीं, एकता आएगी जी, बहुत अच्छी आएगी, और ये ऐसे प्रोग्राम करते रहना चाहिए। कहाँ से आए? भिवानी, हरियाणा। अच्छा, भिवानी? कौन भिवानी से आप? ये हमारे नज़दीक के हैं, हमारे भिवानी। बहुत दूर दूर से लोग आए हैं यहाँ पे, तस्वीरों में देख लीजिए, पगड़ियों में सजे हुए हैं, रामतार पलसानिया पीएस कलवानिया द्वारा अच्छा प्रोग्राम किया गया है, और चारों तरफ देख लीजिए तस्वीरों में, मंच के ऊपर रंजीत सिंह चौटाला बिजली मंत्री बैठे हैं, सोमवीर सांगवान बैठे हैं, सांगवान खाप के प्रधान हैं, और हमारे साथ तस्वीरों आप दिखा पा रहे हैं कहीं ना कहीं आपको जी। तो ये पूरा हॉल ऊपर प्रिंस लांबा प्रवासी जाट अधिवेशन, प्रवासी जाट अधिवेशन, और यहाँ पे महापुरुषों की फोटोएं हैं, चाहे वो चौधरी देवीलाल हो, सर छोटू राम हो, भगत सिंह हो, दारा सिंह हो, महेंद्र सिंह टकेत हो, हमारे जो बड़े बुद्धिजीवी थे, चाहे हमारे राजा हो, चौधरी बंसीलाल हो, सारे पोस्टरों पे फोटो लगी हुई हैं, और महिलाएं भी आई हैं यहाँ पे। बड़ा अच्छा लगता है, जाट आंदोलन में भी काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था महिलाओं ने, और यहाँ पे जी कैसा है?
अच्छा उड़पी से, कैसा लग? बहुत बढ़िया लग रहा है, सब समाज के इकट्ठे हुए हैं, सभी मिल रहे हैं। उड़पी जाट समाज है, कर्नाटक उड़पी डिस्ट्रिक्ट। तो जगह थोड़ी पड़ गई? हाँ जी, जगह की कमी पड़ गई? नहीं नहीं कोई, आराम से, आराम से, बहुत शांति से। तो ये तस्वीरों में देख लीजिए, जब आया जैन भाई राजस्थान, बहुत बड़ा बड़ा खुशी हुआ है, खुशी हो रही है। जाट पार्लियामेंट, जाट संसद का आयोजन किया गया यहाँ से जयपुर के बाद सीधा बैंगलोर कर्नाटक में। और ये देख लीजिए पीछे खचाखच, यहाँ जितनी पिक्चर थी उससे ज़्यादा यहाँ अंदर हॉल भरा हुआ है। लगातार यहाँ जो जाट संसद में पहुँचने वाले लोग हैं, जो अपना सहयोग कर रहे हैं लगातार, वो लगातार यहाँ सुबह से ही पूछ रहे हैं। मैं हरियाणा से हूँ, भिवानी से। अच्छा, भिवानी से आए हैं? हाँ। तो क्या सोच के आए, क्या मन में लेके? जाट एकता को जो एक सहयोग मिल रहा है ना, आपस में भाईचारा जो बन रहा है अपना, उसकी एकता के लिए, उसको मजबूती के लिए हम आए हैं सर। अच्छा, जाट का नाम हो? ओके। अच्छा, नाम कैसे हो? नाम होगा तो एकता रहेगी, एकजुट रहेंगे तो नाम होगा ना सर। कोई भी कम्युनिटी जो एकजुट रहेगी तो नाम अपने आप होगा ना उसका। तो आपका क्या विचार है, क्या होना चाहिए? यहाँ पे जाट पार्लियामेंट लगाई गई है तो आम आदमी का पूछना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सबको स्टेज पे बोलने का मौका नहीं मिलेगा। तो आपके विचार से क्या होना, आपके क्या विचार? हम इस स्टेज के सहयोगी है ना, वही हमारे लिए बड़प्पन है सर हमारा। यहाँ क्या उत्थान के लिए क्या होना चाहिए? ये हर चीज का है, शिक्षा के लिए, व्यापार के लिए, हर चीज़ की कम्युनिटी को जोड़ेंगे। जो आपस में दो भाई बैठेंगे तो कुछ ना कुछ तो उनकी भावनाएं आएंगी ना, प्रकट होंगी, तो आपस में जो तालमेल उनका बैठेगा, वो तालमेल एक मिलाने के लिए ये संयोजन किया है। पहले मैं आपसे जानता हूँ, काफ़ी देर से आप बातचीत कर रहे थे मेरे साथ। हाँ। अच्छा, नाम क्या खास? मेरा नाम गणपत चौधरी है, मैं राजस्थान में नागौर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, परबसर मकराना, जहाँ संगमरमर निकलता है। तो मैंने मेरा पहले परिचय दिया था, मैं यहाँ 97 में इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए आया, तो मैं इंडियन आर्मी में तो भर्ती हो नहीं पाया और मैं यहीं पर सेटल हो गया। बच्चे, फैमिली वगैरह, मेरे बच्चे, हाई प्रोफाइल एजुकेशन दिया बच्चों को मैंने, हाई प्रोफाइल, यानी कि यहाँ सेंट जोसेफ यूरोपियन करके हमारे नामी स्कूल हैं। तो अब रही बात, अभी भाई साहब को आप पूछ रहे थे कि भाई इसका संदेश क्या है, तो मेरा तेजवीर सिंह जी, मेरा मानना यह है कि जो ये कनेक्टिविटी हो रही है ना, कनेक्टिविटी का मतलब यह है कि भाई जैसे आप जज्जर से है या आप जिंद से है, कहीं से भी है, मेरी सोच ये है कि भाई जैसे मेरा बच्चा है, मैं हूँ, कोई समस्या आई, जो भाई साहब जैसे अमरोहा से है, तो आपकी मेरी कनेक्टिविटी है ना कि अमरोहा मेरी कोई समस्या है, कोई मेरी हेल्प है, कोई चीज़ चाहिए तो मैं भाई साहब से कॉन्टेक्ट करूँगा कि भाई साहब मेरी ये समस्या, आप वहाँ के लोकल हो, आप मेरी हेल्प करो, आप मेरे समाज के हो। और बिजनेस में, बिजनेस मोटिवेशन होगा, आप हरियाणा में रहते हैं, आपने एड्रेस दिया, मैं ये चीज़ बनाता हूँ, प्रोडक्ट, बिजनेस, और साथ साथ में संस्कृति, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, मतभेद काफी बढ़ता जा रहा है। हाँ, जाटों में कैसे मिटा पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जाट आयोजन कर लिया आपने, बिल्कुल पूरे इंडिया में कर रहे हैं, लेकिन क्या कारगर साबित हो रहा है? मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ कि मतभेद बढ़ रहा है, मतभेद बढ़ रहा है, मतभेद बढ़ाने के लिए हमेशा हम लोग कभी लाइव आके, कभी सोशल मीडिया पे, सर आजकल क्या प्रिंट मीडिया का ज़माना नहीं है, सोशल मीडिया का ज़माना है कि पाकिस्तान का सीएम एक मिनट कान पकड़ता है, उसको वो लगा नहीं सकता है जब तक, तो बेंगलोर मैसेज आ जाता है। तो मतलब अब प्रिंट मीडिया नहीं है, तो सोशल मीडिया के हिसाब से जितने भी मेरे भाई सुन रहे हैं, मेरा कहना यही है कि हम लोगों का पीछे रहने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है, आपसे मुझे करना है, क्योंकि आप पत्रकार हैं बड़ा नाम, और हमारे भाइयों को ये भी आपको दे के बोल रहा हूँ, जर्नलिज्म और जुडिशल हमारी वहाँ कोई जगह नहीं है, जगह नहीं मतलब बहुत कम चीज़ है। तो मैं युवाओं को यही कहना चाह रहा हूँ, भाई जुडिशल और जर्नलिज्म कम्युनिकेशन में आप ध्यान दो, आगे हिंदुस्तान, चाहे कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, ಈಗ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಜನ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಲ್ಲ ಇರೋರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ವಾಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾನು, ಬ್ಯೂರೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಂಡಿಯಾದು ಏನಿದೆ, ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್, ಆಪ್ ಅಪ್ನಿ ಬಾತ್ ರಖನಾ ಚಾಹತೆ ಹೋ ತೋ ಇಂಡಿಯಾ ಮೇ ಆಗೆ ಯೇ ದೋ ಹೀ ಪೇ ಚಲೇಗಾ। ತೋ ಭಾಯಿಯೋಂ ಕೋ ಮೈ ಯಹೀ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಕರ್ನಾ ಚಾಹತಾ ಹೂಂ, ಆಗೇ ಆಓ, ಮತಭೇದ ಛೋಡೋ, ಟಾಂಗ್ ಖಿಚನಾ ಛೋಡೋ, ಕ್ಯೂಂಕಿ ಟಾಂಗ್ ಹಮ್ ಕ್ಯೂ ಖಿಚತೆ ಹೈ ಕಿ ಹಮ್ ಖಿಲಾಡಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಗಏ। ठीक है, चलते चलते मैं आपसे पूरी बातें करूंगा, लेकिन इसके आयोजन के बाद जी, क्योंकि आप मुझे पहले शख्स मिले हैं जिन्होंने अच्छी खासी शिक्षा दी अपने बेटों को, बच्चियों को, खुद भी अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, लेकिन टेंथ, लेकिन सरकारी जॉब के पीछे नहीं भागे। हाँ, ये खुद का बिजनेस, सेल्फ डिफेंस होना चाहिए। कब तक आप 20-30-50 हज़ार की नौकरी मांगते रहेंगे? बहुत अच्छी बात बोली है, मैं आपसे जान लेता हूँ। सर, मैं तिरुपति बालाजी से आया, आंध्र प्रदेश, नागौर डिस्ट्रिक्ट जो राजस्थान के हैं, यहाँ व्यापार करते हैं। हमारे जाट बंधु साउथ में रहते हैं, हैदराबाद, चेन्नई है, बेंगलुरु है, सब मिलके एक दूसरों की, अभी साउथ में भी समस्या होती है हर चीज़ को, प्रवासी को, लोकल आदमी, तो जाट समाज सब एक रह के
पूरी राजनीति वाले को भी पता चलना चाहिए कि इन लोगों को साउथ में क्या समस्या है। सब लोगों को एक संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि सबको जाट समाज एक है हम, और हमारे जैसे भाई हैं ये बेंगलुरु से आए हैं, वो हैदराबाद से आए हैं, कैसे भी आए हो तो एक दूसरे से मैसेज करके बताते हैं, और यहाँ इकट्ठा होकर सबको ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग जाट सब एक हैं, बिखर नहीं रहे हैं। आने वाले दिनों में और बड़ा बड़ा प्रोग्राम करके जाटों को मजबूती देने के लिए ये प्रोग्राम, जाट समाज पूरा वर्ल्ड में जाटों की एक पहचान होनी चाहिए, और जाट पूरा मतलब यहाँ का इंडिया का पूरा जाट ने इतिहास रचा है। आज आज़ादी ली तो पूरी जाटों की इतिहास ही है कि जाटों ने पूरा हाथ है। सर मैं यहाँ पे 83 में बेंगलोर आया हुआ हूँ। आज ये कर्नाटका जाट समाज की जो नींव रखी हम लोग 88 में रखी थी, आज ये जो जब पौधा रखा, बीज डाला था, आज इतना वटवृक्ष आपके सामने देख ही रहे हो, तो हमें बेहद खुशी हो रही है, और आज इतने आनंद आनंद हो रहे हैं कि मैं देख कर्नाटका जाट समाज का सेक्रेटरी भी और फाउंडर ट्रस्टी भी हूँ। हम लोग एक एक घर घर जाके, दुकान दुकान जाके हम लोग ये जाटों को संगठित करते थे। आज एक एक बंदा कैसी भी समस्या हो, कैसे भी समाधान करके हम लोग रखते थे, क्योंकि उनकी समस्या मेरी समस्या है, और हम तो सबसे एक ही कहना था, आप एक रहिए, नेक रहिए, अपना सनातन धर्म को आप आगे बढ़ाते रहिए, मगर संगठित रहिए। पहली बात यह है कि आप अपने जो भी है पहले आध्यात्मिक जरूरी है। जाटों को खाली जोश में होश नहीं गंवाना चाहिए, मेन ये बात है, और कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। आप कहीं भी हो, मैं गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का सोशल एक्टिविटी में हूँ, और मैं कॉफी डे का डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ। जितने भी हमारे जो विधानसभा, विकास सभा, जितना भी हेल्थ डिवीजन है, जो भी इस समय कोविड में जो मेरे को सौभाग्य मिला, कोविड-19 में जितने भी ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ जो भी जो बेंगलोर के जो सेंटर थे, उस समय हम लोग कॉफ़ी चाय की इन लोगों के लिए, जो हमारे पुलिस वाले भाई है, कमिश्नर है, सेवाभावी है, उन लोगों ने हम लोग सेवा दी थी। तो हम तो बहुत भाग्यशाली है कि कर्नाटका भूमि की सेवा करने का हमको बहुत बहुत मौका मिला, और आप पधारे, आपका बहुत तहे दिल से स्वागत है। और मैं क्या कहता हूँ, देखिए भाषण देने में तो बहुत है, मगर भावनात्मक आप जुड़े रहिए, एक दूसरे का कदर कीजिए, सम्मान कीजिए, सम्मान देने से ही सम्मान मिलता है, मगर मांगना मत कीजिए, आप मांगिए मत। तो हम लोग कर्नाटका में आते हैं तो सबको देते हैं, हम देने की प्रेरणा लेते हैं, आप दोगे तो अपना मिल जाएगा, मगर मांगो नहीं कि मैं आऊँ, ये है, मैं मत कीजिए, मगर पहले आप, हमारा एक ही लक्ष्य है कर्नाटका जाट समाज का, एक ही है कि पहले आप, मैं करके एक अहंकार आता है। समस्त जाट समाज जो भी है, जितने भी आप पधारे हैं जाट बंधु, तय दिल से हमारे आपको स्वागत करते हैं, जितने भी हमारे भारतवासी है, हाँ, ऑल और ब्रदर्स एंड भाई, और हम एक ही परमपिता परमात्मा शिव की संतान है। तो हमारे साथ यहाँ कुछ और लोग बने हुए हैं, और विशेष बात यह है, ये जो बड़ा प्रोग्राम किया था प्रवासी जाट का जो प्रोग्राम था, ये अधिवेशन, इसमें जींद, करनाल और केथल और सब इन क्षेत्र का विशेष दबदबा रहा है, ये देख लीजिए। बाकी और भी लोग हर स्टेट से आए हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग मुझे यहाँ के काफ़ी लोग मिले हैं जी। सबसे पहले मलिक साहब आपसे जान लेता हूँ, कहाँ से? जी मैं अहमदाबाद गुजरात से, वैसे रहने वाला हिसार हरियाणा, गांव सुल्तानपुर। तो यहाँ प्रोग्राम देखा आपने जी, तो कुछ विचार, चलो मंच पे तो नहीं इतने आदमी बोल सकते, तो यहाँ पहुँचे हैं और वो भी बेंगलोर की धरती पे, तो क्या चारों तरफ बेंगलोर में, कर्नाटक में जाट जाट हो गया? बिल्कुल, मतलब कर्नाटक में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हो चुका है, और अभी जो ये सिस्टम चला है अभी करीब 5-6 साल से अभी हम लोग देख रहे हैं, कम से कम 3-4 प्रोग्राम में मैं जा चुका हूँ। एक अच्छा मैसेज हमारे लोगों को जा रहा है कि भाई हमारे को कहीं ना कहीं इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारे को ये चीज़ की ज़रूरत है कि भाई इकट्ठा होकर समाज के लिए कुछ काम करें, जिसमें सबसे बड़ा जो आज जो मेरे सामने आया कि भाई एजुकेशन पर हमारे को कहीं ना कहीं ध्यान देने की ज़रूरत है, एकता में हमारे को कहीं ना कहीं ध्यान देने की ज़रूरत है। ये काफ़ी विषय है जो कि प्लेटफार्म पे आए भी, सबने अपने विचार भी रखे, और बहुत अच्छा एक मैसेज लोगों को गया है, खास करके कर्नाटक के अंदर ये पहली बार हुआ, इससे पहले नॉर्थ में दिल्ली में भी हो चुका है 2 बार, एक बार राजस्थान में भी हो चुका है, तो अभी आगे कोशिश ये रही कि और दूसरी जगह भी ये लोग करें और हम इनके साथ चलें, कंधा से मिला के इनको साथ देंगे तो बहुत अच्छा प्रोग्राम आगे का हमारे समाज। आप बिजनेसमैन? हाँ मैं बिजनेसमैन, मैं आपसे अभी लौटता हूँ, आप भी बिजनेसमैन? हाँ जी जी, आप भी हैं? हाँ जी। सभी अपने अपने बिजनेस करते हैं यहाँ पे जी, जी, जी। तो सर मैं आपसे जान लेता हूँ, कितने जो आजकल बेरोजगारी सर पे आपको पता है जी, और खासकर जाटों के बच्चे तो आजकल ज्यादा बेरोजगार घूम रहे हैं गलत, तो आप एक बिजनेसमैन होके कितने बच्चों को प्रमोट किया आपने आज तक, और कितने बच्चों को आप, अगर आप दो लगाएंगे, दो 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 दो, अगर आगे और भी आएंगे, तो आपने यहाँ से क्या शिक्षा क्या कहेंगे? देखिए हमने नाम, मेरा नाम बलवान सिंह है, मैं अहमदाबाद से आ रहा हूँ, एक्चुअल में है भिवानी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, गांव भेरा से।
आज जैसे ऐसे जो प्रोग्राम होते हैं उसमें जाट समाज को बहुत मोटिवेशन मिलता है, आज युवा है जो समाज का, उसको आज जैसे महामहिम श्री ने जो भाषण दिया है उसके हिसाब से उन्होंने इतना मोटिवेशन किया है सभी को, युवा को, बुजुर्ग को, कि भी इतना एक अच्छा संदेश मिला है और उस रास्ते पे अगर चलते हैं तो एक समाज का कहीं ना कहीं जाके बहुत अच्छा भला होगा और सभी को इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा पूरे इस तरीके के इवेंट होते हैं उनसे सभी को, पूरे समाज को मोटिवेशन मिलता है जी। अच्छा बेटा, ये जाट का शब्द फीलिंग अच्छी होती है, अच्छी होती है। चलो, हाँ जी, कहाँ से? मैं अनिल बेनीवाल, गांव जुगलान, जिला हिसार, हरियाणा से, आल निवासी अहमदाबाद, वहाँ पे कार्गो एंड कुरियर का कारोबार है। कितने बच्चों को प्रमोट किया, कितने बच्चों को मोटिवेशन किया और आने वाले समय में यहाँ से यही बातें सीख के निकलते हैं और बाहर निकलते ये कहते हैं कि हम दो बच्चों को बिजनेस की लाइन में ज़रूर लेके आएंगे और कोई बड़ा उसका प्लेटफॉर्म देंगे, लेकिन कुछ हो नहीं पाता। ऐसे प्रोग्रामों का मतलब तो यही है कि एकता और रोज़गार देना। हम गुजरात में ऑलरेडी इस चीज़ की मुहिम चला चुके हैं, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1000 लोगों को हम रोज़गार दे चुके हैं ऑलरेडी, और अभी पिछले 4-5 साल से संगठन को डिसेंट वे में एक अवेयरनेस के साथ, न कि आइसोलेट होके, सबके साथ मिलके आगे बढ़ने का और जो कुरीतियां हैं या व्यसन है उससे दूर होके और एजुकेशन के प्रति हम लोगों ने काम करना ऑलरेडी 3-4 साल से शुरू कर रखा है। गुजरात के अंदर संगठन भी बनाया हुआ है और संगठन के लिए हमने वहाँ पर जगह भी परचेज कर ली है 2.25 करोड़ रुपये में और वहाँ पे हम लोग हायर एजुकेशन की कोचिंग एकेडमी स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छी सोच है साहब, बहुत अच्छी सोच आपकी। ये सोच होती है जुगलान साहब जो बता रहे हैं, इस तरह की बेनीवाल साहब जो ये इस तरह की जो होता है ना, ये कुछ न कुछ समाज के लिए और बच्चों को आगे लेके जाने की ये है मुहिम। हम कहते हैं नौकरी की तरफ, लेकिन बेनीवाल साहब की सोच है बिजनेस की तरफ, अगर बिजनेस करेंगे तो ऊँचा उठेंगे। क्यों साहब, सही बात? बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे एक जो विचार आज सुने वो बहुत ही अच्छा था कि अब आपके ऊपर है, आप रिप्लाई देते हो या रिस्पांस देते हो या रिजल्ट देते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका विजन और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए रिजल्ट देने वाला, कि हाँ अगर हमारे को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, चाहे हमारा कोई जान पहचान का है वहाँ पे या फिर अनजान है, हम कहीं नई जगह पे हैं, हमें रिजल्ट देना चाहिए क्योंकि रिजल्ट ही हमें ऊपर उठाएगा। कोई वैसाखी का सहारा लेके आदमी आगे नहीं बढ़ सकता, रेस जीतनी है तो खुद के दम पे जीतनी पड़ेगी, अपने स्किल डेवलप करने पड़ेंगे, रिजल्ट देने पड़ेंगे। जी, आप क्या सोच रखते हैं आज का प्रोग्राम? आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था, जाट समाज की एकता के लिए, और काफ़ी अलग अलग राज्यों से सभी जाट भाई आए हुए थे तो उन्होंने काफ़ी अच्छा जो हमारे जो जाट समाज को जोड़ने के लिए एक अच्छा मतलब प्रवक भाषण अच्छा दिया उन्होंने कि हमें इसमें जाट को एक रखने के लिए हमको कहीं ना कहीं किसी न किसी एक आदमी को आगे आने की ज़रूरत है जो एक संगठन को जोड़ के चलता है। अच्छा, सब जाट एक कौम है या कोई विचार आ रहा है? जाट एक महाजाति है, क्योंकि जाति वो होती है जो सिर्फ एक धर्म तक सीमित है। जाट जाति हर धर्म में पाई जाती है, इसने हर धर्म को अपनाया है। इसको अगर अच्छे से समझाया गया तो इसने पारसी धर्म को भी अपनाया है, क्रिश्चियन भी बने हैं, मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, सरदार भी हैं, बिश्नोई भी हैं, तो हर धर्म के अंदर जो जाति वो जाति नहीं, वो महाजाति है। कितनी जल्दी निमंत्रण दे रहे हो आप? हम अहमदाबाद में ऑलरेडी प्रोग्राम कर चुके हैं 3,500 की गैदरिंग का और हम तो निमंत्रण देने के लिए तैयार बैठे हैं जी। जल्दी हो सकता है 4-6 महीने के अंदर हम बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे वहाँ पे भी। बिल्कुल, जय जाट समाज और जाट एकता जिंदाबाद, जाट एकता जिंदाबाद, जाट एकता जिंदाबाद। सब तो हमारे साथ ये जाट जो प्रवासी अधिवेशन लिया गया है उसके अंदर यहाँ से अलग अलग हरियाणा से काफ़ी लोग आए हैं और अदर स्टेट से आए हैं, सबकी विचारधारा बहुत अच्छी है। तो हम कर्नाटक के बेंगलुरु में मौजूद हैं और तस्वीरों में सुबह से हम आपको प्रोग्राम दिखा रहे हैं। तो सभी बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय।